जाके अपने भाई की कचहरी में पहुंच जाते, अरे भाई साहब राम राम, राम राम जब बल्ब पर धरते सूख जाए तो ले लूंगा। राम राम बल्ब पर रखने की नहीं होती है, राम राम करने की होती है। राम राम करना सीख गई तुम? राम राम मैं कब नहीं जानती, क्यों आई हूँ? हाँ मेरा मतलब है इसलिए आई है। मतलब से नहीं आवे आवे का मतलब है? सुनो मैं बताती हूँ। साथ उठिए, अरे मेरा प्यारे बेटा की आ गई मांगन द्वार पे भात, अरे ले लो भेली मेरी शहर नरबर में, अरे भेली कर लियो नरबर में, ब्रन मंजूर अरे कोई भात नोतवे, आए गई अरे द्वारे पे अरे जी, तेरो लल्ला को ब्यावाता खातर तू यहाँ आई है। तुम्हें शर्म नहीं मालूम परी ने कहा? कैसी है आवत? कैसी जो तुमने हमारे साथ करो सो सब भूल गई तुम? नहीं भूली तो नहीं, फिर कैसे आई? मेरा मतलब है इसलिए तो आई हूँ। जमाना छान कर देखा, जमाना छान कर देखा, मिले सब दिल दुखाने को, अब नहीं कहता है दोबारा किसी से दिल लगाने को, गम के दरिये में, गम के दरिये में तनके का सहारा ना मिला, हमारे होते हुए कोई मुसीबत में हमें हमारा ना मिला, अरे जब मुझको होश आया कुछ दिन गुजर जाने के बाद, अपना कोई नहीं होता दोस्तों अपनी बिगड़ जाने के बाद, और ये घूम घूम के देखी मतलब की दुनिया सारी, अच्छा और ये घूम घूम के देखी और मतलब की दुनिया सारी, और तुम भातनो तने आई क्या हमसे रिश्तेदारी, तुम भातनो तने आई क्या हमसे रिश्तेदारी, एक दिन ओखा पड़ गई नहीं पूछी बात हमारी, और एक दिन ओखा पड़ गई नहीं पूछी बात हमारी, एक दिन ओखा पड़ गई नहीं पूछी बात हमारी, दिल घोड़ा के दाने की रोटी माली हासधारी, घोड़ा के दाने की रोटी माली हाथ बटाई, इन घोड़ा के दाने की रोटी अरे माली हाथ सिधाई, तुम अभी चली जाओ यहाँ से मनसुख की बहन प्यारी, तुम अभी चली जाओ यहाँ से मनसुख की बहन प्यारी, अरे पामन गड़ को तेरो भैया राजा, अरे आगे लाग गई बहन नरबर में, मेरे यरवनो खरवनो की रे संपत्ति,
उस्ताद न लेना है कोई चीज सात दिन ना मोए भूखे पीते। मैंने अपनी रानी से कहा तो मेरी भाभी के पास चली जाओ और शेर भरे आटा ले आओ और मेरे लिए खाना बना के खिला दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। सुनत गई ही भवज के पास सिर भरे आटे की भीख जब मांगी एक कदम मारी कमर में लात लौटे तुम्हें थी बाप सह गई। मैंने अपनी रानी से कहा खाना बनाया नहीं नहीं क्यों आज तुम्हारी भाभी ने मेरे लिए आटा नहीं दिया। मैंने की बारे बार जब जर पास होती है तो लाखों यार होते हैं और बिगड़ी में टूट जाते हैं ये भी रिश्ता खास होते। आजो भैया घरैया अरे पीठ मोया दे गए गोली सवरी भूल गए बिगड़ दिया बात में धीर ना धर लो आज सगी भाभी ने लात मार दई मांगे आटो दो होलाज। मैंने अपनी रानी से कहा बैठ जाओ कि अब नरवर में तो खाने कटेंगे क्यों किसी ने कहा है कि देश चोरी और परदेश भीख चल कहीं परदेश रहेंगे और भीख मांग के गुजर कर लेंगे। नरवर छोड़ो सोवत से चल के पहुंच गो चौराहे। मैंने अपनी रानी से कहा रानी ये चौराहे की रास्ता है एक रास्ता तेरे पीहर भीम से किल को जा रही है और एक रास्ता देश मालवीय को जा रही है और एक रास्ता मेरी बहन महानगर के लिए जा रही है। मैंने की बता कहां चले तो कहने लगी महाराज मैंने घर तेल करे आंगन देखो सीधे लगाए लो मेरे पीहर की मैंने जो कछो गलती करे दई बाबुलते गलती सिंगलियलमी अपनाए पैर पकड़ लूंगी रे बाबुलते। मैंने अपनी रानी से कहा मैं तेरे पीहर में ओखा नहीं कटेगा क्यों पहले के बड़े बूढ़े कहते क्या घर पे जमैया फूल बराबर और रास्ता में आ जाए तो आधो और जब घर ही रह लेकर तो गधा बराबर मनवावे तब ला दो तुम बिन भैया की बहन आज को भैया द्रो हो तो पीठ पे ओ खा कटती तेरे देश बिन भैया की मेरी नार तुम्हें थी। मैंने अपनी रानी से कहा मैंने तेरे पीहर में भी ओखा नहीं कटेगी और मानो मेरे कहना बराबर भी ये महानगर शहर है मेरी यार मंसूर की रहती है ना। अरे सीधे लगाई ताद न तेरी तेरे पोचो नखाबाल मालिक के हाथ में खबर पठवाई। मैंने कहा भैया मालिक तो हमारी बहन के पास चले जाओ और हमारी बहन से जाके कह देना तुम्हारे भैया और भावज फूल बाग में आ गए और उनके लिए खाना बना दो
वे पूछे किस रूप से आए, तो कहते ना तल्लटे फटे कपड़ों से आए। सुनते ही माली पहुंचो तेरे पास, हाँ माली गया था मेरे पास, जाए के खबर तो ए माली ने सुनाई। लेकिन पता है उस दिन तेने क्या किया फिर? क्या किया था? अरे घोड़ा के दाने की रोटी, गंठी प्याज की दही धरवाई, थोरो नमक यो थोरो कोयला, पानी पिए यो मोकारो करके, मेरे चलो बागते जाए, या आवे वो मोए ल जावे वो। जब वापस माली मेरे पास आया, मैंने कहा भैया माली अब हमारी बहन कितनी दूरी है। तो माली ने मुझसे कहा जब तुम राजा थे तब तुम्हारी बहन थी वो, आज तो वो भी तुम्हें डाहिल बन के बैठ गए। मैंने अपनी रानी से कहा होगा सो देखा जाएगा, तू फटाफट रोटी खोल। जब गाठे अरे खोली रोटी की, दर ना सकी मेरे धीर, बारह साल की पति लो पाए, और ये याद फट रही छाती, बेहाथ भेली चली न्यू नाय, लौटे चली जा सैर नरवरते, क्या तू मेरे काम मत लवतियना। एक दिन मेरे यहाँ ओखा में आए थे, माली ने जाकर के मेरे लिए खबर दी, तो मैंने माली की बात का विश्वास नहीं करा, और मुझे ये पता होती कि मेरा भाई ओखा में इस रूप से आया है, क्या करती? क्या करती तो तुम? हाथी सजाती भैया को, टोली लेती बाबा जको सजवा, नाहीले
पर परतारे प्यारे पल पे शादी कर ली पांच लड़ाई और ये 50 रुपए का पुरस्कार, 50 रुपए का पुरस्कार ये आपके सामने बाजा बजा रहा मास्टर किताब सिंह यादव जी कस्वर हेड निकल हेड वाले हैं और ये मेरे लिए 50 रुपया दे रहे हैं और 50 रुपया आपके लिए दे रहे हैं, कुल मिला के 100 रुपया दे रहे हैं दूध पीने के लिए। अरे किताब सिंह मेरे भैया रे बड़ो रे तुम तो पूरा अगर भेली नहीं लोगे तो पता है प्राण अरे तमा तुम्हें पीरन प्यारे अरे द्वारे फिर रही है मेरे तेरे कोई ना तो मोद तेरे का हो ब्याह में से वैसे ना अगर भेली नहीं लोगे तो मैं प्राण यही गवा दूंगा। ना मोद तेरी कौन सी आड़ है का ना करे मेरे बिना ब्याह में अपन कर ले मोद कोई शोभा तेरी 12 लड़ाई लिखी हुई है हां देख कौन लड़ेगा मोए पतो कौन लड़े हो इसीलिए तो आई हूं बात मांगने के लिए। अच्छा और भैया जितने भी आस पड़ोस की सिर तोल की जनता आई हुई है कमेटी का कहना है अगर ढोला आपके लिए अच्छा लग रहा हो हमारी माता बहना भाई बहन गुजरंग ताऊ जितने भी है तो एक बार कमेटी के लिए तसल्ली बना दो दोनों हाथ खड़े करके बता दो अगर ढोला सही लग रहा हो तो दोनों हाथ खड़े करके अपने बड़े बता दो। बोल जहार पीर बाबा की बोल गुरु गोरखनाथ की मुझसे कौन सी शोभा तैयारी ना है रही है अगर भेली नहीं लोगे तो मैं यही प्राण गवा दूंगी। गलती कर तैयार मेरी माफ है अरे फिर मेरे नर पर पारे मेरे पीरन भेली कर ली सही आप बात ही बिना शोभा तो तैयारी ना हो कुछ नहीं लेकिन तो तुम्हारे बात ही सोचो समझो ना ये थी बुरी बन गई। और एक बात और बताऊं कौन सी जाओ चीज बताऊं तो क्या ना क्या बना कौन सी चीज चीज सोनी और अधूरी है कौन सी बताओ राजा राम के बिना सीता राम के बिना भैया जीवन है हमारे
लगन बिन सेज सजन बिन गोदी ललन बिना और है विशाल बेकार जिंदगी प्रभु के भजन बिना धूनर कोट के बिना चूला कोट के बिना चुनाव कोट के बिना और आज कल के वोट न देवे लोट के बिना राजा राम के बिना सीता राम के बिना भैया जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना चली जा से जाऊंगी। दुनिया ये कहेगी कि राजा राम की बहन भात मांगने के लिए आई और अपने प्राण गंवा दिए। और तो बात करने पहले तो जोई से के देश हम करते हो लेते तो मैं तो यही मरूंगी हुआ क्या मरूंगी और भेली नाला में मार के दिखा। हाँ एक दो देख रहे हो कई जल्दी घुसना था यार मरूंगी देख ना आ तो मच जाएगी और कहा बादल ना देख रही अभी भेली ना लूंगा तो मरी बिल्कुल मर जाऊंगी और जो मरी हुई तो जाकी हत्या सातों जन्म ना छुटाई। हाँ अच्छा और मैं भेली ले लूं तो काय को मरूंगी तो लल्ला को ब्याह करूंगी तो लल्ला ही शादी होगी और कहा अच्छा अरे कूनो का नहीं अरे काली हमें जैसे काला कबूतर भाज शादी के खातर नरसिंह कूदे ते मेरे मारे नरवर हाले अरे मेरे मारे नरवर हाले अरे हाले काबर यार खंगा और तहत यागर येरी तो हाले तो दिल्ली जहल रह जाए आयुल्लू बोलो है नरवर पे अब तो भली करें भगवान एक बात है कौन सी जल के बात मेरी मांगे दुल्हन पे अच्छा आधे अंग की मेरी रानी माले को ताज नहीं हो खाने भेली मेरी ले ली रानी तो क्या होगा तो तेरे होएगो कुमर को क्या कपे मेरो तेगा बाजे वो और चुन दिल गुल्हा सफेला शादी होएगी तेरी बारे बेटा अरे मैं न पाले फिरना
बचब जीवन तुम नर पर पारे त्यारी ते करे अमर हो जाए गो भरोसो मोको नर पर मैं होएगी शादी मेरे बारे बेटा की कह चाहे के मानूंगी अब जब के भान बोले जाकर के भाभी साहब से भी बात मांगू बिल्कुल चाहूंगी पर एक बात है एक दिन ओखा में गए थे तो भाभी साथ में थी जब इतनी गुस्सा तुम्हारे लिए ही तो थोड़ी बहुत भकल तो भाभी क्यों हुई थोड़ी बहुत ना होगी भाभी पूरी तो पजरी हुई बैठी है फिर अगर तुम जाओगी तो सही हाँ जाऊंगी मैं और बात मांगी होते तो कहती उल्टी सूदी बोले सही है लेकिन अपनी निगाह ऊपर मत उठाइए नीचे ही राखी अच्छा तो और ये बात बताऊं तो वैसे ऐसी दिक्कत है यूं दबे भाई रहते भाभी से अगर केतु गलत सलत बोले हाँ लेकिन अपना सर मत उठान अच्छा तो तुम दबे भाई रे तो दबे की बात नहीं और भारत शान पे मरो ए और भारत शान पे मरो शान न जानी अपने देश की भारत शान पे मरो शान न जानी और बताऊं हाँ। एक बात और सुन कौन सी जाओ तुम नौतोगी भाग कितनी गलत सलत बोल तू कुछ मत कही ऐसे वहां टंग रहा होगा तेगा खुंटी पे और एक फिर मन्न की धमकी दई उतार के धर ली ऐसे टुड़ी पर सतु मत मत जाइए और कहूं भाभी ने कह दी कि मत जा तब तक पीछे थी मैं आ जाऊंगा सुन दिक्कतिया जाती अकल की रे ओछी अरे यू चली ज तेरी भाभी अके दे दिल तुम तोरो करियो ना जो कहू भेलिए मेरी ले लई रानी ने तो शादी से जला लगे हो जाए दारू भमरिया बात छत्रपती सही है मैं जरूर जाऊंगी भाभी के पास और ये 20 रुपया कुणाल और जसवीर सांड वाले 20 रुपया दे रहा दौड़िया ने सोरंगाम छाप लगाई भैया सोरंगा में छाप लगाऊंगा उस समय का चित्र है सोरंगा का जिस समय सोरंगा सदा वृक्ष एक स्कूल में पढ़ते थे तब पढ़ते लिखते कुछ नहीं थे सिर्फ एक दूसरे को देखने के तजाव करते स्कूल में मास्टर ने बड़े बड़े प्रयास करो मत ये दोनों पढ़ जाए लेकिन वे दोनों नहीं पढ़े मास्टर ने कहा तुम जाओ दोनों तुम्हारी छुट्टी है और घूम के आओ और खूब बतला लो देख लो दूसरे को तुम वहीं आके बताइयो का बहुत हो जब लौट के दोबारा स्कूल को आए मास्टर ने कही क्यों सदा वृक्ष का बहु सोरंगा चालाक थी तो सोरंगा बोली मास्टर जी से ऐसे क्या पूछ दो हम बताएंगे तुम्हें का बहु तो का बताओ अरे बनियन के हम लाडले अरे मुंशी जी कोई बेजत गुड़ और तेल रे सदा इतनी बात सदा वृक्ष ने सुनी
तो सदा विरक्षण सोची जो हम ही को कछ कह रही है तो चुप बेहू ना रे बेहू बोले अरे इतनी बात जो अब कहीं और यो छोरी कोई केती जो केती बगिया भी चले और ये 50 रुपए का पुरस्कार नीरे सूदिया ये 50 रुपया दे रहे दूध पीने के लिए ये 50 रुपया नीरे सूदिया कसवा जाइए मैं अब तार को ना जानत है भैया अरे सिंगई और को पछना ने ना कैसी दड़ तक ये पराया संकट देख धर्म मत त्यागो जो नर बने बुद्धि ज्ञान संकट देख धर्म मत त्यागो को जाए जल्दी तुम चली जावे दे दे भेलिए बहन बहुत की शादी से जलाल किए होए रे ए या के तो अरे पड़ गई लीलावती अरे जाय रही भिन भाव बज गई बोलो और एक बरिया मेरी भावज अपने अर महल और द्वारे भारी है जाकर के लीलावती अपनी भाभी के द्वार पे पहुंच जाती है यहाँ भाभी तो महती थी वही पहुंच जाती है कहने लगी अरे भाभी साहब नमस्ते नमस्ते काय बात की नमस्ते जा छत पे रख दे और सूख जाएगी तो सवेरा फट से ले लूंगी रखने की नहीं होती है राम राम करने की होती है तुम तो जान गई राम राम कर लो कब पहले जानती राम राम कर लो क्यों कब नहीं जानती क्यों कब जानती तुम वैसे ना काय को आने का बात है मेरा मतलब इसलिए है मैं तो पहले सोच रही हूं तुम पे कोई मतलब पड़ेगा होगा कहां से आने का चलो भाभी को देखा चलो भाभी को देखा कोई बात है वैसी बात शादी उठिए मेरे बारे बेटा की आए गई मानन द्वार पे भातो अरे भबज मेरी नर बरदारी ले लो खेली मेरी बात की शादी बेटा की कर पई और जी तुम्हारे लल्ला ही शादी है तुम लल्लावारी है तुम लल्लावारी है क्यों क्यों मोरे तैया तो तुम्हारे लल्ला ही शादी है तो तुम भेली लेके आने ताई से करने के ले ले भाभी ले ले भाभी ले ले भाभी ना मैं ना लूंगी तुम्हारी है भाई क्यों ना मैं कैसे ले लूंगी पिछली बात है थोड़ी भूल जाऊंगी मैं कैसी सीना में आग जल रही है पिछली बात नहीं किया भाई कैसी कैसी न कैसी मैं पिछली बात है मैं भूल जाऊंगी एक दिन आ गई तुम्हारे यहाँ पे मैं ओखा पड़ गई हम पे अच्छा 12 साल की ओखा पड़ गई तो मैं तुम्हारे यहाँ पे गई तो तुमने कोई हमारी बात ना पूछी तुमने हमें अपने द्वारे से भजाए दो तो मैं तुम्हारी भेली कैसे लूंगी पिछली बात की अच्छा तो ओखा की बात याद कर रही हूँ ओखा की याद ना करूंगी और फिर काय की करूंगी भाभी साहब सुन ले पहले भी कहा है अरे एक दिन विपत राम ने डारी एक दिन कही मैं तुम्हारे
दिन गई ही मैं तुम्हारे द्वार पे। सुनो ननदी, तुमने हमारी ना पूछी बातें। अरे वाह सुनो ओ कामै जी। हेलो, जिन सज्जनों ने हरिवाद दान दिया इस प्रकार से है, ये 20 रुपए अमरपाल तादिन में ना यारे भूले नरी भाबच भूलो अरे जमानो। अरे हाँ, अरे तादिन रूठे अरे गए जी भगवान। भाबीरी चली जा, छिना तू बेहाल, मेरी आंखें तस्तर ले चली जा।
बहुत उतरे खानदान आई है तुझे। वैसे मैं उतरे खानदान की जो देखो जब चली जाता से, वैसे ही मेरी सांस भूल रही है। तो हो बलच में है रही जो आराम से काम कर। तो मैं ये कह रही हूँ कि बुलाई किन ने छिनार, बुलाई किन ने बता पूछा जा से। बुलाई है तो जब पूछती याद क्यों आई है यहाँ। तुम पूछो क्या बात है। मैं तू पूछ का कह रही तू तैयारी तैयारी भाभी भाभी तुम मेरी ले ले लिया तुझे कब सुधर है क्या हमारे नातो से तुझे भाते ही भेली लेके ना कह रही है मुझसे ले ले भाभी भात की भेली मैंने तो मने कह दई और मैं तो भाई दिना नातो तोड़े आई जैसे घर के औखा में गए इनके द्वारे पे देखो तुम्हारी और मेरी कोई बात ना पूछी न मैं तो भाई दिना पल्ला भर के धूप डाल मैं तो मेरे तुम्हारे कोई रिश्ता ना रहा हूँ जो क्या आई अब ऐसा समझ लो मासा मीटर पता ही भाई है और जब तक पटेगा तब ना माने अरे तेरे जैसी रानी सो बोल रहे हैं ये भैया पतिव्रता औरत के काम होते बोल नहीं तुम बैयरमानी हो तो बैयरमानी के रूप में रहे हो क्या कायदा होता है बैयरमानी का कायदा होता है जर्मन में अरे नार तो बहे है अरे नार तो बहे है जो नार को नवा के चल हां माय और बाप की इज्जत बचा के चल सास और ससुर की सेवा को करके चल नार तो बहे है जो नार को दबा के चल अरे सीता सी नारी भई श्री राम ने धनुष तोरो सीता जी से नातो जोरो उन ऊपर पिपत परी लक्ष्मण के शक्ति लागी सीता की चोरी भई यार रात सीता माता रावण के पंजा रही आप बची और धर्म बचाए के लाई पूरी लंका रावण की बंदर
आया नार तो बही जुन्ने के घर बन के आया जाके जे तंत्र से पूरे करते तो जाई विदा करते हैं कौन से तंत्र होंगे जाए पूरे अरे तंत्र होंगे जाके है बात होतन आई है देखे जाओ नंद भावेन में जन्म होतो है तो भावी बात गावते के नंद ऐसा मां जा रही करंट अरे नंद जी बात तेरो मारे डर रे नंद जी बात तेरो मारे डर अब एक होगो कृष्ण जी को अरे मत पकड़ चुंदरियों को ठोक कन्हैया दो को दोष लग जाएगो अरे मत अरे गोन पिरात कठिन रसिया गोने की गोने की रात कठिन रसिया गोने की ओए पहलो जोश मेरे ओ बचपन
पुरस्कार ओमवीर सिंह 100 रुपया जहरवीर बाबा के लिए और 50 रुपया मेरे वास्ते दूध पीने के लिए। अरे चढ़ गई हो चौखटा मेरे भैया, अरे मलिया मलिया गिर गई। ये बात बताओ, ये बात तो तेरी सही है, बात है जो आप तो बहुत बिगड़ नाचे गाए ना जाते हैं। इतने आओ, एक तो हम गा लेती है, मैं गा दूं, कुछ सुनाऊंगी। अरे सिलरे रखे रे पटिया चट तेरी अम्मा होए कैसे भेला होए कैसे होए। 11 बरस की बिट गई रीत बतैया चंद साहिक डीलर, ये 20 रुपए दे रहा दूध पीने के लिए। अरे चुग चुग जियो यमर दुनिया में, अरे चुग चुग जियो रे यमर दुनिया में, के त्यारो चले रे जगत में। जब तुम मैं कर दूंगा करने से, तो मैं अपन बेदा फेंटो देनो से दे लियो। तो बेदा दिनी ओ मां साहब, मां साहब इते आबो, मां साहब अरे ते तो आबो, सुन लियो 51 रुपया दे दियो ने, 51 रुपया दे तो दियो। बेदा ना दियोगे तुम यार, हम माल ना आए। अरे कैसे पीछे हट रहे पिता ना दुखी ने, ऐसो कमेटी को दिल जाओ ज्यादा भारी ना तू सोच। हाँ कमेटी कमजोर है राखी कच्ची। हाँ सही कह रहे हो, अब तक काउ को कमेटी वालों को नाम बोलो हो तो बता दो। सही है मेरे लिए बात मंजूर है। ले नंदे तुम मरी जा रही हो तो पूरा चेक दे दो, सगाई शादी जाई कर बैठी है। और इतना तो पहले था ही था। और देख पूरे क्या बरी रहे तेरे 1 रुपया क्यों ना दे रही है, ले है गो पूरा तुम्हारो तो। और मैं हूँ आऊंगी तुम्हारे यहाँ, ओखा में गई मैं तुम्हारी कछना देखो मैंने तुम्हारी, ए दरवाजो अंगना फंगना पांच झूले थे ने समर के झूले समर तो झूले कौन सुझा में तो कोई पाप चढ़ जाए वो। हाँ ढंग से झूले भैया मान ये से ना कोई एकदम उठ बैठा तो तेरी तरह
अब सुन, तेरा मेरा बना रहेगा साथ, मुख से फायदा करता प्यारा हुआ मरहे के नीचे। आप रुको तो रुक सकती हो ना जा सकती हो? मेरा ब्याह का घर है, ब्याह के घर में काम ज्यादा होते, रुकूंगी नहीं, जाऊंगी। आवे गो भैया सुन तेरो नरमर नरमर मारो साथी हे ओ अरे हमीद कुमार की जाएगी मेरी बहन। और ये रथवा को सजभावे और ये पलना करे अपार, अरे रथ में सखिया बैठी सब गाए रही गीत मलार। और ये अमीर सिंह, ये अमीर सिंह 100 रुपए कमेटी की ओर से दान करते हैं मंदिर के लिए और 20 रुपया दूध पीने के लिए। रथवा को सज भावे पलना करे अबार, रथ में सखिया बैठी सब गाए रही गीत मल्हार। पवन सिंह ये 20 रुपया जरा दूध पीने के लिए। अरे प्रीत न करियो भैया परदेसी से, अरे प्रीत न करियो छोटे परदेसी से, नैना रोए रोए केरे पर जाए। अरे प्रीत परोसी की रे साची है, छोटे प्यारी जिंदगानी मेरे भैया भोले नाथ है भरंगे भंडार। अरे जा संसारी में। हेलो, और महाराज अब तुम एक काम करो, अरे नाऊ ब्राह्मण कोरे बुलवाए लो उसका बेटा को चढ़ाए लो रे, बेटा को बुला लो बलम तुम लगुन और चढ़वा लो रे। महाराज मैंने बेटा बुलवा कर तैयार कर दिया, नाव ब्राह्मण के लिए बुलवाइए और लगुन चढ़वाइए। और ये 50 रुपए का बार नेमपाल 50 रुपए ये दे रहे हैं। और सुनो बात नोते आए अपने भैया को और रूटो भैया त्यारो मन गो। अब चारो भैया नरवर में आवे तो तुम का करोगी? का करोगी? अब के भैया चलो आवे, अरे महानगर में तो क्या करूं, खातर करिए ओ मेरी नार, अरे हो की रखाल के भोजन बन भैये, अरे तेरो रूठो अरे भतैया गौ है मान रे तू खातर करिए महा अरे नगर में। अरे
पचास रुपया नेम चल, ये पचास रुपया जरा दूध पीने के लिए पचास रुपये पहल दे रहे, इन्हें कह रहे छापने लगी। अरे जोग जोग जी मैं भैया प्यारी जिंदगानी, अरे जोग जोग जी मैं भैया प्यारी जिंदगानी, तो प्यार हो चले रे जग जग मेरा। हेलो ए महाराज जयशंकर की ये 200 रुपया नाम नाम कुछ बताओ ओम्बी छाया हुआ नाम ओम्बी भैया 50 रुपया हमारे झारपीर बाबा के चरणों में अर्पण कर रहे, 50 रुपया हमारे लिए दूध पीने को दे रहे, भैया के लिए हाथ धन्यवाद करता हूँ। जोड़ी अरे बनी रे ओम्बी बारे बारे और द्वार पे फूली शेर फुलवा महाराज जयशंकर की जयशंकर की कानरे नंगयो कैसे कावात है, क्यों कावात है गई, कावात है गई भले मानसो कब के आए पर तुम्हारे दरवाजे पे, हाँ हाँ ना खान के ना पियन के ना उठन के ना बैठन के ना कबन के ना नींदन के ना कसन के ना। जब कोई घर पे ही नहीं था तो तुम्हारे लिए कौन क्या पूछता, घर पे ही ना है ना, सब चले गए चार, तुम्हारी बहन ही चली गई, अरे अब सब तैयार है, पहले लड़का देख के पसंद होगा, लल्ला पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो ये जी लल्ला लड़का के लिए बुलवा सकते हो लल्ला तुम ए लोड़िया का कर रही है इनसे, ज्यादा फालतू नहीं बोलोगे नहीं समझ लेना फिर, तुम भी ख्याल रखना अपने चचेरन का, और ये राजा महाराजाओं का दरबार है अगर गलत बोल गए, हम नौ कह रहे गलत कौन ससुर बोल रहा है, हैं का खबर लौड़ा हकल होए तुतल होए, हैं चार छह लगन में धोखो खा चुके हैं तब से हम लौड़ा को चेक करते हैं, लल्ला है गड़बड़ लल्ला, अरे लौड़ा है तो तेज का हरी मिर्च खा करो कैसे, एक बात बता लल्ला जैसे तुम्हारे मेहतारी के एक और बाप मेहतारी है मेरे 500 बाप है 1000 तुम्हारे अगर एक दस हमारी मेहतारी तो कत गई छोड़त गई कत गई छोड़त गई, देख सकते हो मैं चेक कर सकते हो भैया लौड़ा चेक करते हम चाचे लगन में धोखो खा चुके हैं लौड़ा नहीं गाड़ी देते को हाल अल्लाह का बात है गड़बड़ा कैसे लौड़ा चैन नहीं डरवाइए कैसे, ऐसा ही रहते हैं बच्चे, अल्लाह चेक करने दे समझ के ठाड़े हो सही है, क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हो, मैं चार छह लगन में धोखो खा चुका हूँ तुमसे सब सौदा चेक कर तो लौड़िया हमें ही गारी देती है, अरे तुम पहले ये बताओ क्या क्या सौदा लेके आप, पहले नगदास बताओ, नगदास लो बताओ 5 लाख 5 लाख 56 करोड़ कठोर बाद के लिए आते कठोर हमारे यहाँ बाद कोई चढ़ते, चलो ऐसी ऐसी मालूम पड़ रही है तुम्हारे शहर पना में मक्का भुज रही है खसबोई आ रही है, कुत्ता की नजर पर हम पे कोई जाएगी अब सुनो ये 3 रुपया है जेका मैं लौटा रहे के ले जा, अरे वो हमने अभी ब्राह्मण के लिए दे देते वे तिजोरी में समझने की धरे जा, लड़का के लिए पूरी तरीका से चेक कर सकते हो, और ये अमीर सिंह
ये अमीर भैया 50 रुपए मंदिर के लिए दे रहे और 50 रुपए पार्टी के लिए दूध पीने को दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो गजबर छाती मेरे अमीर भैया की, क्या मुट्ठा तो गजती अरे तलवार, और सूरज नरियन के रे का जनम कहना पति बिरता मोल बिता। क्या क्या चीज है, ऐसो करो लल्ला नवा दवा जल्दी से पट्टा डारो, पट्टा डारो पट्टा, हाँ पट्टा डारो पट्टा डारो पट्टा, बैठा रहो छींक पात में लगन चढ़ाऊं लल्ला, बैठो कैसे पर रहे आगासे से, ओए ए तुम ही तो कह रहे हो ए नाई। हाँ देखो हमारा लल्ला नाराज तुम्हें दिख रहा होगा खूब है, काई बात से अब जो तुम जो लल्ला की मेन चीज बात तुम देना रहे हो, एक तो देखो बच्चे को लगन छोड़ के तैयारी, जैसे लौड़ा की कोई जिद हो मांग हो तो बता दियो, मांग है हाँ मांग है, अरे आज कल के लड़कों ने, अरे आज कल के लड़कों ने, और यो थायो ये सोचना और शादी में मांग दे कोई नंदो लौटा दे तो रुपए, हाँ हाँ सौ को दो, इनका हिसाब करो भाई। हेलो सौ इन्हें लौटा दे। एक बात और है, एक बात बताए, देखो लल्ला नाराज मत हो, जब तुम्हें गाड़ी से ही ज्यादा प्यार है कि मैं मोटरसाइकिल ही लेके ही ब्याह करूंगा, चलाएगो लल्ला, तो लल्ला नाराज मत हो, चाहता तुम लो टीना प्लेटीना फिलक टीना, और चाह तुम लल्ला ले चाची अपाची अपाची अपाची, चाह ले लंडर स्प्लेंडर स्प्लेंडर स्प्लेंडर, हाँ चाह लल्ला बुलेट ले गाड़ी कोई सी जो मनवावे तैसी, अपने मुंह से मांग लियो ले पकड़ो चाबी को गुच्छा, ए चाबी को गुच्छा संगलाई फिर रहे हो, बिना चाबी के चला के स्टार्ट कैसे होगी, और देखो हमारे लल्ला ये कंडीशन कैसा हो रहा है, कितना दुबला पतला है हमारा लल्ला, एक बूढ़ी भैंस और मांग रहा है, सूखा वेद लग गया है, हाँ भैंसिया मांग रहा है, भैंसिया लल्ला हमारा दूध पीने के लिए मांग रहा है, बूढ़ा भैंस नाराज कह रहा, हम लोग कह रहे हैं चाह तो बकरी को पिए, चाह लैन बयानी को पिए, चाह कटिया को पिए, चाह बूरा को पिए, ले लल्ला पकड़ो थन पकड़ तो ना हो, क्या बिना थन पकड़ा बदतमीजी है, बिना थन गैर बदतमीजी के नहीं मानते हो, बिना थन पकड़ा दूलेंगे, क्या क्या सीधे क्या बहुत जल्दी कर, देखो लल्ला तुमको तो पैंट शर्ट को कपड़ा सही है, बाह में धरोहर जा, मैं तो पेंट सेट को कपड़ा है अच्छा, और एक मीठे को डब्बा है अच्छा, एक आध फीस खासो खा लियो लल्ला, जब तक लौड़िया ना आवे तब तक धरो रहन दियो, ये खराब नहीं होगा, कौन कहना दे रहे हो क्या बात है, देखो लड़का जब देख रहा है तो उसके लिए दिखाओ भाई उसकी इच्छा है, कह रहा घर में ले जाके ये कछ देखा, हम तो अब धरा दे रहे, अरे ब्याह शादी में सब सौदा पहले ही देख।